a teacher by profession, Srimati Alice Garg entered the field of social service in 1972 with a paltry sum of 5,000 rupees. But more important and more enduring, within her was a deep and burning desire to bring hope and happiness into the lives of children of the socially backward and the economically deprived communities, children living in abject poverty. For this work in 1972, Srimati Garg founded the Bal Rashmi Society with the motto, Save Children, Save Generation. Soon the numbers in her care increased from just 4 to nearly 200. Many orphaned, all destitute. Srimati Janaki Devi Award jo mujhe mila, ek mahila ke naam par mila, aur aisi mahila ke naam par jo khud jujaru thi, jinhone त्याग बलिदान तो किया ही लेकिन संघर्ष भी किया और बापू के साथ कंधे से कंधा लगाकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए लगी रही और उनके नाम पर जो ये अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है क्योंकि हम जो गांधीयन शैली से काम करते हैं और जिस शैली से अब काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है उस शैली उस विचारधारा के मानने वाले और उस समय के बापू के साथी परिवार से जो ये मुझे अवार्ड मिला इससे बड़ा सम्मान और अवार्ड मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बहुत बहुत अपनी ओर से बाल रश्मि परिवार की ओर से गरीबों की ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ बापू की बेटी हूँ जिन्होंने कभी भी पीछे नहीं देखा सीने पे गोली खाई है पर किसी को वो नहीं किया तो जो स्थिति ये रही है और जो आ रही है जिससे सबको हम गांधी विचारधारा के लोगों को घबराहट है थोड़ी सी उसके लिए आपने जो ये हम लोगों को चुना है वो हम गांधी परिवार से जुड़ कर के अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानते हैं और हमें उनके काम के साथ साथ ये समझ में नहीं आता था कि एक के बाद एक जो समस्या हमारे सामने आ जाती थी और एक दूसरे से उलझी भी होती थी हम उसको कैसे हल करें लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और उनके साथ बैठ कर के उसके हल ढूंढने की कोशिश करी क्योंकि ये समस्याएं कुछ तो हम जान गए थे काम करते करते लेकिन जैसे जैसे उनको जानते थे वो और भी जटिल होती जाती थी और भी समस्याएं नई नई सामने आ जाती थी हम उनके महिलाओं के साथ बैठ के समझाइश का काम करते हैं कुरीतियों पर स्वास्थ्य प्रजनन पर भ्रूण हत्या पर बाल विवाह पर नुक्ता पर और उसके बाद जब हम ये उनसे बात करते हैं और उसके बाद उनसे फिर दोबारा बात करते हैं तो ऐसा लगता है वो सब समझ गई हैं और वो सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगी मैं एक बार फिर इस के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ साथ में मैं जो राशि मुझे प्राप्त हुई है अवार्ड में वो मैं रुस्तम जी मेमोरियल फाउंडेशन को सौंपती हूँ बच्चों के लिए एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाने के लिए मुझे हर्षा बहन इजाजत दें तो मैं एक मिनट लूंगी कि ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो आप जो बनेगा वो राजस्थान में हिंदुस्तान का पहला शंख म्यूजियम होगा जबकि हिंदुस्तान शंख प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा देश है लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि एक भी ये म्यूजियम हमारा शंख म्यूजियम नहीं है और इस
ट्रस्ट को मैंने 14 साल की उम्र से जो शंख इकट्ठे किए थे, जिसमें कुछ रेयर शंख भी हैं, आप जानते हैं न्यूक्लियर टेस्ट से शंखों की जो प्रजातियां हैं वो दिन पे दिन लोप होती जा रही हैं और वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये लगभग 3000 शंख इस तरह के ट्रस्ट के पास हैं और हम सोच रहे थे कि ये कैसे ये लोग क्या करेंगे। और ये आपने ये जो मुझे इस धनराशि को दिया है, वो दो हमारे इसमें वो हुए हैं कि एक तो ये बच्चों के लिए बनेगा जो कि अभी तक कहीं भी नहीं है। मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद।